कैसे लगे? हमारा फ्रेंड है दोस्त, हम दोनों एक साथ पैदा लिए इस बिजनेस में, एक साथ घुड़ के, एक साथ खड़े हुए और एक साथ चल रहे। और आप सारे लोगों से, जितने भी लोग यहाँ पे, सारे लोगों से वादा है कि अंतो अंत तक एक साथ रहेंगे। सारे लोग आए, कुछ ना कुछ बता के गए, अपना परिचय से शुरुआत की। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि अरे पतला दुबला जी कहाँ जाकर डायरेक्ट शुरू हो गया, परिचय बता के गया या डायरेक्ट शुरू हो गया। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। और जितने भी जो हमारे मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको मेरे तरफ का सलाम वालेकुम। आप परिचय बता देते हैं, मेरा नाम है मोहम्मद सिराजुल हक, रहने वाला नागपुर प्रखंड में गौरी गांव है। बहुत प्यारा सा गांव है, अपने गांव से बहुत प्यार करते हैं। ऐसे तो हर गांव से प्यार करते हैं क्योंकि सारे गांव से पैसे आते हैं, तो सारे गांव से प्यार करते हैं। लेकिन सारे गांव से ज्यादा अपने गांव से प्यार करते हैं क्योंकि वही गांव का मिट्टी से हम बड़े हैं, पले हैं और बढ़े हैं। तो मैं भी आज से 4 साल पहले इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया। श्याम जी बता दिया, जिसने ज्वाइनिंग किए कुछ भी नहीं था, भैया के ससुराल में साइकिल मिला हुआ था, वही साइकिल से बिजनेस स्टार्ट किए, उनकी साइकिल चोरी हो गया। भैया बोल रहे अबे इस बिजनेस से तो कुछ होना जाना है नहीं, ऊपर से तेरे को मेरे को साइकिल मिला, इस बिजनेस से तू साइकिल चोरी करवा दिया, फिर बिजनेस को मत कर। हम बोले अब क्या होगा भैया, साइकिल नहीं देंगे तो हम करेंगे कैसे बिजनेस। दोस्त करीबन 15-20 किलोमीटर दूरी जाजा के बैग पिट्ठी पर लाते, अभी भी मेरा बैग जितना भारी है उतना इससे पहले भी भारी हुआ करता था, क्योंकि अभी तो पढ़ाई मेरा बंद है, अभी तो सिर्फ बिजनेस का पढ़ाई करते थे। इसका 2-4 बुक होता है, 2-4 डायरी होता है, लेकिन पहले 10वीं क्लास में पढ़ाई किया करते थे तो उसका सारा मेरे बैग में हुआ करता था। जिस समय हम बैठा करते थे, जहाँ पर हमको मतलब कि थक जाते थे वहीं पर किताब उठा के पढ़ने लगते थे, क्योंकि हमको पढ़ाई भी करना था। और दोस्त पढ़ाई से ज्यादा अगर हमारे ऊपर में कोई जुनून सवार था तो वो था पैसा। समय पैसा, ये पैसा है क्या चीज पता ना, समय पैसा क्या क्या करवा देगा आपसे, ये पैसा इतना ताकतवर है। अगर ये पैसा है तो सारा समाज आपके पास में है, पैसा नहीं है तो अपना माँ बाप, अपनी बीवी भी नहीं है। बड़ी अच्छा एक कहावत हमारे सीनियर कहा करते थे कि पैसा पास में तो बीवी पास में, पैसा पास में तो बीवी पास में, जब पैसा पास में नहीं दोस्त तो बीवी बाय पास में। तो हमको पढ़ना भी था क्योंकि लोगों का क्या कहता था, तो इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, इस बिजनेस से तो कुछ होगा नहीं, तो फेल भी कर जाएगा। तो हमको पढ़ाई में भी फर्स्ट करना था और इस बिजनेस में भी टॉप करना था। तो हमने क्या करते थे, प्लान भी करते थे, इस बिजनेस का भी बुक पढ़ा करते थे और रात को 12-12 बजे तक स्कूल का भी किताब पढ़ा करते थे। और इस तरीका से एग्जाम दिए दोस्त, साथ ही साथ दोनों काम किए, मैट्रिक का एग्जाम दिए, 315 नंबर आया। और एक मजे की बात बताए, श्याम जी नहीं बता के गए, दोनों आदमी का 315 नंबर दे देते, क्रमांक नंबर दे देते, जाके इंटरनेट पर चेक कर लेना, मेरे पास में है, उससे भी जाके कर दे दीजिएगा, विश्वास हुआ तो बेस्ट है, नहीं तो इंटरनेट नेक्स्ट है ना। तो यहाँ से किए, ये तो शुरुआत में हर कोई को मतलब ठोकर लगती है, हमें भी ठोकर लगे। दोस्त ये बिजनेस में नहीं, दुनिया में कोई भी काम कर लो ठोकर तो लगेगी, जब तक लोगों का थपेरा खाओगे नहीं तब तक कोई भी चक्कर में, दुनिया के कोई भी वर्ग में आगे नहीं कर सकते। लोगों का थप्पड़ खाता था, गिरते थे, फिर बोलते थे नहीं एक बार आओ,